दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें बात करेंगे आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी ट्यूटर एंड अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ पे आपको किस चीज़ में आर्मी में भर्ती निकाला गया है और ये भर्ती आपका इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इस भर्ती में आपका सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी भर्ती निकाला गया। ओके, तो ये 10वीं पास पे भर्ती होने वाला है और भी अदर वैकेंसी है नर्सिंग के लिए है, बहुत 4-5 तरीके के पोस्टें हैं, वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और उम्र क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होगा, सैलरी क्या होगा और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो चयन प्रक्रिया, मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद संपूर्ण जानकारी, मतलब इस भर्ती के रिगार्डिंग आपका जो भी डाउट है ना, मतलब A to Z आपका डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका डाउट बना रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट के लिए, गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है ताकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सो वहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा सबसे पहले आपको वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको किसी भी भर्ती के रिगार्डिंग, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए लेके चलते हैं नोटिफिकेशन पे। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स कितने तारीख से। तो ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई से ही, और लास्ट डेट जो होने वाला है वो होने वाला है 15 जुलाई। ओके, कितने तारीख से, 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट होने वाला है 15 जुलाई, ये आपको नोट कर लेना। और ये फॉर्म भाई साहब ऑफलाइन मोड पर है, मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, राइट। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप वो भी डिस्कस कर दिया जाएगा, एक सेपरेट वीडियो बना के कि फॉर्म कैसे भरना है इसका वो डिस्कस कर लिया जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। पे स्केल यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर लूँ। फॉर सिक्योरिटी गार्ड इलेक्ट्रीशियन जनरेटर ऑपरेटर और ड्राइवर के लिए 10,500 आपको मिलेगा। फॉर असिस्टेंट वार्डन के लिए 17,870 रुपये मिलेगा। फॉर ट्यूटर एंड BSc नर्सिंग, ये ट्यूटर मतलब टीचर टाइप का, BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग के लिए, BSc नर्सिंग के लिए 22,000 रुपये और MSc नर्सिंग के लिए 25,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। अगर बात कर लें यहाँ पे फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए यहाँ पे 36,000 रुपये सैलरी मिलने वाला है। तो यहाँ पे 4-5 तरीके का पोस्ट है, ऑपरेटर ड्राइवर सभी के लिए यहाँ पर भर्ती निकाला गया है। अगर बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको डिस्कस कर लूँ। चलिए थोड़ा सा मैं आपको नोटिफिकेशन पे ले चलूँगा। यहाँ पे सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, नेम ऑफ पोस्ट, ये असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल सर्जिंग नर्सिंग के लिए यहाँ पे एक पोस्ट है, और ये MSc नर्सिंग वालों के लिए है, तो ये 3 साल का यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस आफ्टर MSc नर्सिंग के पास होना चाहिए, तो उनके लिए। और ट्यूटर के लिए यहाँ पे 5 सीट रखा गया है, जो कि पढ़ाने वगैरह के लिए रखा वगैरह है, पास्ट MSc नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ में चलेगा। असिस्टेंट वार्डन के लिए भी 1 सीट है। कैंडिडेट शुड हैव पास्ट ग्रेजुएशन, मतलब कि आपको आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपने मतलब डिग्री आपका होना चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, डज नॉट मैटर, आपका साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी मैटर यहाँ पे नहीं करता है। उसके बाद बात कर ले इलेक्ट्रीशियन कम जनरेटर ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट है। कैंडिडेट शुड हैव पास्ट हाई स्कूल, यहाँ पे आपका 12th पास होना चाहिए, साथ में ITI डिप्लोमा होल्डर विथ मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। ITI है तो भी आप चलेगा, डिप्लोमा है तो भी चलेगा, 12th पास आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़, सिक्योरिटी गार्ड वाला जो दे रखा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सिर्फ 10th पास पे रखा गया है, तो वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सिक्योरिटी गार्ड पे दे रखा है 2 पोस्ट। कैंडिडेट जो भी आपका सिविलियन होंगे या फिर एक्स सर्विस मैन होंगे अप्लाई कर सकते, सिविलियन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 10th पास रखा गया, 1 साल का एक्सपीरियंस एज ए सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, वो कहीं से भी आप ले सकते हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको कहीं से मिल जाएगा। ओके, तो ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, कोई भी बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट आपका जो लगने वाला है यहाँ पर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ये देख लीजिए लगेगा सारा कुछ, एज प्रूफ लगेगा, और कास्ट सर्टिफिकेट OBC SC ST के लिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस स्टेट से, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है तो आप बनवा सकते हैं ये वाला, बाकी वो वाला तो आपके पास होना चाहिए। और ये रिटेन एंड ये आपका कहाँ पे कराया जाएगा, रिटेन एंड प्रैक्टिकल टेस्ट ये आपका कराया जाएगा आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी में ही कराया जाएगा। तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर कराया जाएगा, तो रिटेन आपका एग्ज़ाम जो है वहीं पर गुवाहाटी में कराया जाएगा और प्रैक्टिकल भी गुवाहाटी में ही कराया जाएगा सेम डेट। एप्लीकेशन आपको देखिए इस पोस्ट पर भेज देना है, बाकी आपको समझ में नहीं आएगा
तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या भरना है। एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्ड टू आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग और ये बेस हॉस्पिटल वशिष्ठा टेम्पल रोड वशिष्ठा गुवाहाटी ये आपका है। आसाम के लिए भर्ती निकाला गया है और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऊपर लिखना होगा रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट बाई हैंड कुछ भी आप इसमें सेंड कर सकते हैं। नॉर्मल पोस्ट भी कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं और बाई हैंड भी जाके वहाँ पर आप दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। इसका ऑफलाइन फॉर्म कहाँ पर भाई साहब मिलेगा? तो ऑफलाइन फॉर्म हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, सो वहाँ पर ऐड हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इसका फॉर्म भी वहीं पे मिल जाएगा। बाकी फॉर्म नहीं भरने आएगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन थोड़ा सा दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी के लिए निकाला गया है भर्ती, ये आप पढ़ सकते हैं पूरा। ओके, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी 36,000 जो मैंने बोला एमएससी एक्सपीरियंस है। ट्यूटर के लिए 5 वैकेंसी रखा, बीएससी नर्सिंग के लिए 22,000 मिलेगा और एमएससी नर्सिंग के लिए 25,000 आपको सैलरी दिया जाएगा। असिस्टेंट वार्डन के एक पोस्ट है 17,870 रुपये आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया। सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वैकेंसी निकाला गया, 10,580 रुपये मिलेगा और इलेक्ट्रीशियन कम जनरेटर ऑपरेटर के 10,580 सेम वहीं पर मिलने वाला है। अप्लाई आपको ऑफलाइन मोड में करना, रजिस्टर स्पीड पोस्ट जो कि मैंने बता दिया 15 जुलाई लास्ट डेट होने वाला है। ओके, तो ये सारा कुछ आपने जान लिया। अब देखिए ये सीट का ब्यौरा है। ओके, 10 इसमें टोटल आपको बात करें तो 10 पोस्टों पे भर्ती निकाला गया है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। बाकी जो भी इंटरेस्टेड है इसको फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म इसका टेलीग्राम पे मिलेगा, सो वहाँ पे ऐड रहिएगा तो आपको शाम तक क्या हो जाएगा, आपको फॉर्म प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम पे, सो वहाँ पे ऐड हो जाइए फटाफट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। एंड फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी गवर्नमेंट जॉब अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। एंड कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका फॉर्म भरना आ रहा है नहीं आ रहा, तो ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा फॉर्म कैसे भरना है। ओके।